नमस्कार, क्राइम 24 तास न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी, और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बारामती में पुलिस इंस्पेक्टर नामदेव शिंदे ने एक नाबालिग लड़की की शादी रोकी। दरअसल एक नाबालिग लड़की की शादी डोरलेवाड़ी के विद्या बस्ती में होने वाली थी, जिसमें दूल्हा और बारात केट गांव से थे। इस बात की जानकारी बारामती शहर के पुलिस थाने के थाना प्रभारी नामदेव शिंदे को तहसीलदार से मिली, और लड़की की फोटो और शादी के स्थान के बारे में भी पता चला। जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी टीम को डोरलेवाड़ी भेजा और घटना की पुष्टि कर लड़की और लड़के के माता पिता को हिरासत में ले लिया। हालांकि दूल्हे के पिता वर्मा जो शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने शादी के लिए हामी भरी थी, जिस पर पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन कर संबंधित धारा में परिवार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाना प्रभारी शिंदे का कहना है कि वैदु समाज में शिक्षा की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज सकाळी डोरलेवाड़ी वैदु वस्ती तालुका बारामती या ठिकाणी ताया दुर्गा निंबाळकर आणि त्याची पत्नी संगीता ताया निंबाळकर हे त्यांची अल्पवयीन मुलगी आहे 16 वर्षाची, तिचा विवाह करून देण्याबाबत आपल्याला गोपनीय बातमी मिळालेली होती सकाळी। त्या बातमीची आम्ही शहानिशा केली असता खरोखरच त्या जी छोटी मुलगी होती पूजा ताया निंबाळकर हिची पत्रिका छापून आज 12:30 वाजता तिचा विवाह केला जाणार होता, परंतु आम्ही वेळीच या मुलीचे आईवडील ताया आणि संगीता यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई केलेली आहे। त्यांना अटक करून तहसीलदारासमोर हजर करून त्यांच्याकडून चांगल्या वर्तनाचा बॉन्ड लिहून घेतलेला आहे, आणि या लग्नासाठी वैदू वस्तीवर जमलेल्या सगळ्या त्यांच्या समाजातील पंचांचं प्रबोधन करून अल्पवयीन मुलीचा विवाह करणे कसे गैरकायदेशीर आहे किंवा अल्पवयीन मुलीचा विवाह केल्यानंतर ती कशी एक चांगली आई घडू शकत नाही याबाबत त्यांचं प्रबोधन केलेलं आहे। आम्हाला वैदू वस्तीतील सगळ्या पंचमंडळींना आश्वासन दिलेलं आहे की यापुढे ते कुठल्याही अल्पवयीन मुलीचा किंवा मुलाचा विवाह करून देणार नाहीत, घडू देणार नाहीत, असं त्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे या दोघांना प्रतिबंधक कारवाई करून सोडून दिलेलं आहे। इथून पुढच्याही काळामध्ये बारामती शहर आणि परिसरामध्ये कुठलाही अल्पवयीन मुलांचा विवाह करू दिला जाणार नाही, त्याबाबत आपणही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सगळ्यांना आवाहन करावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए क्राइम 24 तास न्यूज़ के साथ। नमस्कार।